हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग विशाखापत्तनम गैस रिसाव पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, विशाखापत्तनम गैस रिसाव जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये घटना 7 मई 2020 की है। कब बताएं? 7 मई 2020 की। और ये घटना जो है, ये हमें भोपाल गैस कांड की भी याद दिलाती है। याद रखिएगा, ये घटना विशाखापत्तनम शहर के पास गोपालपत्तनम के वेंकटपुरम गांव में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी केमिकल के पॉलीमर संयंत्र में हुआ। हम आपको बताएं, ये जो घटना है, विशाखापत्तनम शहर के पास गोपालपत्तनम, वहां पे एक गांव है, उस गांव में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी केमिकल के पॉलीमर संयंत्र में हुआ। याद रखिएगा, गैस का जब रिसाव हुआ तो ये 4 से 5 किलोमीटर गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग और जानवर सड़क के किनारे और नालों में बेहोश पड़े हुए मिले। तो बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के इतिहास के बारे में, तो समझना है जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा। तो याद रखिएगा, ये जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं, इस कंपनी को 1961 में, कितना बताएं, 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर नामक कंपनी ने शुरुआत किया था। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर नामक कंपनी ने शुरुआत किया था। 1961 से ये कंपनी प्लास्टिक का उत्पाद बना रहा है, प्लास्टिक का मटेरियल ये बनाता है। और उस समय ये श्रीराम ग्रुप का हिस्सा था। किसका बताएं? श्रीराम ग्रुप का हिस्सा। याद रखिएगा, इसके बाद 1978 में इसका विलय मैकडॉवेल एंड कंपनी में किया गया। कौन सी कंपनी में? मैकडॉवेल एंड कंपनी में किया गया। बाद में 1997 में इस प्लांट का विलय, मतलब 1997 में इस प्लांट को दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी केमिकल ने खरीद लिया और तब से ये एलजी केमिकल के पास ही है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी आपको बता रहे हैं, इस कंपनी को 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर नामक कंपनी ने शुरुआत किया था और ये प्लास्टिक का सामान बनाता है। तो जब इस कंपनी का शुरुआत हुआ था, उस समय ये श्रीराम ग्रुप का हिस्सा था। 1978 में हम आपको बता रहे हैं कि इसका विलय मैकडॉवेल एंड कंपनी में कर दिया गया। बाद में 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी, हम आपको बताएं, एलजी केमिकल ने इसको खरीद लिया। अब बात करते हैं, ये जो गैस हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस का नाम है स्टायरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। ये जो स्टायरीन हम आपको बता रहे हैं, ये गैस का नाम हो गया, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। ये जो स्टायरीन गैस आपको बता रहे हैं, ये क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन, मतलब ये कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक रसायन है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक रसायन है। ये एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो ज्वलनशील होता है। याद रखिएगा, इससे हम प्लास्टिक का सामान बनाते हैं। तो प्लास्टिक के अलावा इससे हम रबर भी बना सकते हैं। इससे हम प्लास्टिक तो बना ही सकते हैं, साथ ही हम आपको बता रहे हैं इससे हम रबर भी बना सकते हैं। देखिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं स्टायरीन गैस का नाम क्या बताए, स्टायरीन। दोस्तों, ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि विशाखापत्तनम गैस रिसाव जो हुआ था, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो हम आपको स्टायरीन के बारे में बता रहे हैं। अभी जो स्टायरीन हम आपको बता रहे हैं, इसका जो कण होता है, ये गाड़ियों के धुएं में पाया जाता है, सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, इसके अलावा फल और सब्जियों में भी पाया जाता है। अब आपको ये समझना है कि इस गैस से हमको क्या दिक्कतें, क्या तकलीफ हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो स्टायरीन हम आपको गैस बता रहे हैं ना, इससे हमको सांस लेने में तकलीफ, सबसे पहले। दूसरा, आंखों में जलन, इसके अलावा पेट की समस्या। ये यदि बहुत ज्यादा देर तक आपके शरीर में रह जाए, तो याद रखिएगा, ये आपके तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये जो गैस हम आपको बता रहे हैं स्टायरीन, याद रखिएगा, स्टायरीन गैस हवा से भारी होता है। ये जो गैस आपको बता रहे हैं, हवा से भारी होता है और पानी में घुलनशील होता है। हवा से भारी और पानी में घुलनशील होता है, इसका मतलब यदि इस गैस का रिसाव हो जाए, ये गैस यदि फैल जाता है और यदि हम जल का छिड़काव करते हैं, पानी का यदि हम छिड़काव करते हैं, तो इससे कुछ हद तक बचाव हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को याद इसमें क्या रखना है, जो आप लोगों का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 मई 2020 गुरुवार की यह घटना है। और याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं, इस कंपनी का गठन 1961 में किया गया था, हिंदुस्तान पॉलीमर नामक कंपनी ने शुरुआत किया था।
ये पहले श्रीराम ग्रुप का हिस्सा था, बाद में 1978 में मैकडॉवेल एंड कंपनी में इसका विलय किया गया। इसके बाद 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी केमिकल ने इसको खरीदा। गैस का नाम क्या बताएं तो स्टायरीन। और ये हम आपको बताएं कि स्टायरीन जो है ये हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक रासायन। दूसरा चीज हम आपको क्या बताएं कि ये जो गैस आपको बता रहे हैं, गाड़ियों के धुएं, सिगरेट के धुएं, फल और सब्जियों में भी पाया जाता है, इससे तकलीफ क्या होगी तो सांस लेने में तकलीफ। इसके अलावा हम आपको क्या बताएं तो याद रखिएगा, आंखों में जलन, पेट की समस्या भी हो सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टायरीन गैस हवा से भारी और याद रखिएगा जल में ये घुलनशील होता है। अब इसी तरह का और एक घटना का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 2 और 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। कौन सा गैस बताएं? मिथाइल आइसोसाइनाइड। हम आप भोपाल गैस कांड का बात कर रहे हैं जो कब हुआ था, 2 और 3 दिसंबर 1984 को। याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट से कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा इससे 3,787 लोगों की मृत्यु हो गई थी, लाखों लोग इससे प्रभावित हुआ था, कई लोग इससे अपाहिज भी हो गए थे। तो दोस्तों ये जो हम आपको बताएं विशाखापत्तनम गैस रिसाव, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का जो आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया से सुनिएगा और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि एलजी केमिकल के पॉलीमर संयंत्र, ये जो एलजी केमिकल का पॉलीमर संयंत्र हम आपको बता रहे हैं, ये किस गांव में स्थित है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। एलजी केमिकल का पॉलीमर संयंत्र जो बता रहे हैं ये कौन से गांव में स्थित है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दूसरा चीज दोस्तों आप लोगों को और एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, लिंक दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड करके सेट का प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, बाद में उसका आंसर शीट आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।